एक बार फिर देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले 5 जवान शहीद हो गए। उत्तराखंड के गैरसैंण के कुनीघाट के रुचिन सिंह भी इसी ऑपरेशन में देश के लिए कुर्बान हो गए। 9th पैरा के इस जवान की इस दुखद खबर से कोहराम मचा हुआ है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जम्मू से रुचिन का पार्थिव शरीर शनिवार देर शाम तक गैरसैंण पहुंचेगा। आपको बता दें कि शहीद रुचिन के परिवार में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 साल का बच्चा है। आपको बता दें कि शहीद रावत रजौरी के घने जंगलों वाले कंडी इलाके में आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में जान गंवाने वाले 5 सैनिकों में शामिल थे, जहां उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए अभियान चल रहा है। उनकी इस दुखद खबर पाकर पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। आपको बता दें कि रुचिन रावत महज 29 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। रुचिन रावत के शहीद होने की सूचना पर उनके पैतृक गांव कुनीघाट में मातम छा गया। गांव में उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जवान रुचिन रावत अपने पीछे अपनी पत्नी, एक बेटा, बूढ़े माता पिता समेत छोटे भाई और दादा दादी को छोड़कर चले गए। रुचिन का छोटा भाई विवेक रावत भी भारतीय नौसेना में तैनात है। रुचिन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उधमपुर यूनिट में तैनात थे। गांव के लोग शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं, जो कि देर शाम तक गैरसैंण में पहुंचेगा। राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए हमारी सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जाबाजी से लड़ते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए दिया है। इनमें हमारा बेटा हमारे गैरसैंण घाटी के कुनीघाट मल्ली भाई राजेंद्र सिंह जी का पुत्र रुचिन रावत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके साथ ही सभी वीर जवानों के प्रति अपना शीश नवाता हूं। उनका बलिदान और उनका त्याग सदैव याद रखा जाएगा। मैं कुनीघाट घाटी के जितने उनके परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, उन सबके दुख में खुद को सम्मिलित करते हुए मैं वीर रुचिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।